रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं सिखाऊंगी आपको देगी बिरयानी बनाना, जिसके लिए यहाँ मैंने लिया है 1 किलो बकरे गोश्त यानी कि 1 kg मटन मीट। अब इसके अंदर ऐड करेंगे 2 teaspoon रेड चिल्ली पाउडर, 1 teaspoon टर्मरिक पाउडर। देगी बिरयानी के जो मसाले यूज़ करूँगी वो कुछ इस तरह से है। 4 अदद लूँगी मैं बड़ी इलायची, 7 से 8 लूँगी मैं लौंगे यानी कि क्लोव्स, दालचीनी के टुकड़े लूँगी मैं 4 से 5 अदद, ग्रीन कार्डमम लिया मैंने 8 से 10, तेज़पात लिया है मैंने 3 अदद, इसके अलावा जावत्री 1 अदद और जायफल लिया है मैंने 1/2। साबित धनिया 2 टेबल स्पून। देखिए मसाला मैंने पीस लिया है। अब इन तमाम मसालों को गोश्त के अंदर शामिल कर दें। अब इसके अंदर शामिल करेंगे 1 teaspoon साबित काली मिर्च, 1.5 कप तली हुई प्याज यानी कि ब्राउन अनियन। अब इसके अंदर शामिल करेंगे योगर्ट यानी कि दही 1.5 कप, यानी कि सॉल्ट इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। अब अपने जायके के मुताबिक ऐड कीजिएगा। बिरयानी एसेंस इसके अंदर शामिल करेंगे 1/2 teaspoon। है 750 ग्राम पोटैटोज। इट्स अप टू यू, अगर आपको पोटैटो चाहिए तो आप यूज़ करें वरना स्किप कर दें। तीन अदद आलू बुखारा शामिल कर दें यानी के ड्राई प्लम्स। मैरिनेट कर लें और मैरिनेट करने के बाद ओवरनाइट छोड़ दें इसे, और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो 2 to 3 hours ज़रूर दें। फॉर राइस, चावल के लिए मसाले जो हम यूज़ करेंगे, अब इसके अंदर शामिल करेंगे 1/2 teaspoon ब्लैक पेपर, 6 cardamom, 1 stick सिनेमन, 4 से 5 अदद क्लोव्स यानी कि लौंगे। अब इसके अंदर शामिल करेंगे 1 अदद तेज़पत्ता यानी कि बे लीफ 2 टेबल स्पून। इसके अंदर शामिल करेंगे नमक। चावल लिया है मैंने 750 ग्राम गुड क्वालिटी बासमती राइस। चावल हम एक कनी पकाएंगे और उसके बाद पानी को हम इसके ड्रेन कर देंगे। और ख्याल रखें कि जब भी आप कोई कच्ची बिरयानी टाइप की चीज़ बनाएं तो चावल एक ही कनी पकाएं, ठीक है। इसके अंदर मैं वो तेल यूज़ कर रही हूँ जिससे मैंने प्याज को ब्राउन किया था।
तो मैं इसमें यूज़ करूँगी सबसे पहले 1/4 कप ऑयल, मैरिनेटेड मीट डालूँगी, उसके ऊपर मैं 1/2 कप पानी डालूँगी, ग्रीन चिलीज, हैंडफुल मिंट लीव्स, 1 स्लाइस्ड लेमन, 2 टमेटोज, टमाटर को भी स्लाइस में काट लें, 1/2 कप चावल डालने के बाद अब इसके ऊपर 1/2 कप ऑयल शामिल करेंगे। अगर आपको ऑयल के अलावा घी पसंद है तो आप घी भी शामिल कर सकते हैं। फिर इसके ऊपर मैं फूड कलर शामिल करूंगी, आपको जो भी कलर पसंद है आप वो शामिल कर सकते हैं। मैं 2 कलर इस्तेमाल कर रही हूँ, रेड एंड येलो। आखिर में हम इसके ऊपर शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून बिरयानी एसेंस। अगर आपके पास बिरयानी एसेंस नहीं है तो आप रोज़ वाटर यानी कि गुलाब का पानी भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। बिरयानी को कवर कर दें फॉइल के साथ और पहले शुरू में हम 10 मिनट हाई फ्लेम पर इसको कुक करेंगे, उसके बाद 35 मिनट इसको हम मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे। और कोशिश करें कि इसके नीचे पतीली के नीचे यानी कि चूल्हे के ऊपर कोई भी आप तवा या स्टैंड रख दें, और अगर हो सकता है आपके गोश्त अगर ना गले तो आप 50 मिनट भी इसे कुक कर सकते हैं। टोटल टाइमिंग 45 मिनट होते हैं, चाहे तो आप 50 मिनट भी इसे दम पे छोड़ सकते हैं। पतीली के ऊपर लिड लगा दें, उसके बाद कोई हैवी चीज़ इसके ऊपर रख दें ताकि इसमें अच्छी तरह से स्टीम बन जाए, ताकि इसके और इसके स्टीम बाहर ना आए। ये देखिए बिरयानी हमारा तैयार हो चुका है, पूरे मैंने इसे 50 मिनट कुक किया है। तो अब हम इसे डिश आउट करेंगे। देगी बिरयानी तैयार है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे दुआओं में याद रखें।
अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ इसे शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।